फिलहाल मैं आपको सारी सेटिंग्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप ना इस पे वॉट आवर टू मीटर पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके रखना। यहाँ पे देखो लगा हुआ है जाम को ईवी पे। इस तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे आगे। पहले ट्रिप का पहला टोल है और मैं आपके साथ ही बैठा हूँ। जब भी बैठा तो ना लोग ईवी की तरफ मूव। हेलो एवरीवन, एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं टियागो ईवी का रेंज टेस्ट। ऑलरेडी आपको टाइटल और थंबनेल देख के आइडिया लगी गया होगा। इस रेंज में एक ट्विस्ट होगा क्योंकि ये जो रेंज टेस्ट करने वाला हूँ वो नॉर्मल ईवी की तरह रेंज टेस्ट नहीं करूंगा। एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था, उस हिसाब से जो है आज इसका जो है रेंज टेस्ट करके देखेंगे कि रियल लाइफ में कितना जो है ये रेंज निकाल के दे देती है और किस हिसाब से ड्राइव करेंगे वो मैं इंटीरियर में चल के जो है आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगा। जितनी भी सेटिंग जैसे एसी पे टेम्परेचर क्या रखेंगे और स्पीड कितनी रखेंगे वो सारी चीजें जो है मैं अंदर चल के आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो कॉमेंट अगर मुझे मिलेगा ना, उस भाई का बहुत अच्छा कॉमेंट था, मतलब इस हिसाब से भाई ने कॉमेंट किया, अगर मिलेगा मुझे पिन कर दूंगा मैं, आप भी देखना। तो फाइनली आज उस भाई के ही कमेंट पे हम इसका रेंज टेस्ट जो है करने वाले हैं। वैसे मैं प्लान कर रहा था कई टाइम से बट भाई का भी कमेंट आ गया तो हम फाइनली आज करते हैं इसका रेंज टेस्ट। एक तरफ से मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ वो इस वीडियो के इधर ही बता देता हूँ। मैं इसको अपने यहाँ से आगरा लेके जा रहा हूँ जो लगभग 150 से 160 किलोमीटर एक तरफ से जो है डिस्टेंस पड़ने वाला है। तो देखते हैं कितना ये रेंज निकाल के देती है और किस हिसाब से हम ड्राइव करते हैं, कहाँ कहाँ चार्ज करेंगे, उन सारी चीज़ों की आपके साथ शेयर करेंगे। तो चल लेते हैं अंदर। और जो मैंने इसकी ट्रिप वगैरह जो है जीरो कर दी थी घर पे ही जब निकलने से पहले, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल जो है 9.6 चल रखी है। मैं यहाँ पे एक शांति से अच्छे लोकेशन पे जो आके इसका इंट्रो जो है शूट कर रहा हूँ, तो वो वाले पार्ट जो है मैं इसके बाद डाल दूंगा, तो आप देख लेना। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी कर देते हैं इसके ट्रिप ए और बी को, दोनों को जीरो कर देता हूँ। ट्रिप बी ट्रिप ए दोनों ही जीरो कर दिए मैंने इस समय। और अभी जो वॉट आवर जो पर किलोमीटर में है वो तो दिखा भी नहीं रहा है, तो अब फाइनली देखेंगे कि कितना जो है 100% में ये अगर आप इस हिसाब से ड्राइव करते हो तो रेंज देती है। अब फिलहाल मैं आपको सारी सेटिंग्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे रीजन लेवल जो है, जैसे मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियोस में ही बताया, रीजन लेवल हम 3 पे ही रखेंगे। वैसे अभी फिलहाल रीजन लेवल काम नहीं करेगा क्योंकि अभी गाड़ी जो है 60% चार्ज है, रीजन लेवल जो है अपनी 85 से नीचे ही काम करता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और स्पीड मेनली, स्पीड का जो मेन रीजन है, गाड़ी को हम चलने भी देते क्योंकि लेट हो जाएंगे, स्पीड का मेन क्या है, स्पीड मैं रखूंगा 80 से 90 के बीच में क्योंकि लंबा जाना है और ईवी के हिसाब से ड्राइव नहीं करनी, हमें ड्राइव करनी है एक नॉर्मल कार से। जो भी पेट्रोल या डीजल या सीएनजी से अगर ईवी पे आ रहा है तो वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से हम आज रेंज टेस्ट करेंगे कि मिनिमम अगर आप इस हिसाब से क्राइटेरिया में गाड़ी जो है ड्राइव करोगे तो कितनी रेंज निकाल के देगी। और एसी का टेम्परेचर दिखाऊं तो मैं एक सेकेंड, अभी 23 डिग्रीज पे रखेंगे क्योंकि अभी जो है टेम्परेचर वगैरह थोड़ा ठीक है, तो आप देख लो टेम्परेचर मैंने इस हिसाब से सेट कर लिया। और स्पीड अपनी रखेंगे 80 से 90 के बीच में और पूरी रियल दिखाऊंगा, अनकट बहुत कम रहेगी। रियल लाइफ में कितना रेंज आपको जो है इससे मिनिमम देखने के लिए मिलेगा अगर आप इस हिसाब से ड्राइव करोगे। वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। आप ना इस पे वॉट आवर पर किलोमीटर पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके रखना पूरी वीडियो के अंदर कि ये मैं जिस हिसाब से ड्राइव कर रहा हूँ लगभग देख लो अभी भी 86-87 के आसपास है गाड़ी और 125 वॉट आवर पर किलोमीटर जो है गाड़ी यूज कर रही है, तो इस पे भी ध्यान रखना कि कितना ग्राम इस हिसाब से ड्राइव करते तो बढ़ता है ये और कितना कम रहता है कैसा है वो तो देखो आगे चल के ही पता चलेगा क्योंकि मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम जो है इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उस भाई के कहने पर। तो फाइनली देखेंगे, बहुत अच्छा जो है रिजल्ट निकल के आना चाहिए जो उम्मीद है, और क्या रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के सबके सामने रहेगा। सो वीडियो में बने रहना, एंड तक देखिएगा तभी आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इस पे देखने के लिए मिलेगी। सो वीडियो को चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा शॉर्ट ही रहे। एक बार मैं आपको टोटल किलोमीटर और दिखा देता हूँ। देखो अभी मैंने जो है स्टेशन लगाई है तो आप देख लो 10:45 पे हमें ये पहुंचाएगा और 130 ही मान लो अभी थोड़ा सा कम हो गया और 2 घंटे 47 मिनट जो है हमें लगेंगे पूरे। और अभी गाड़ी चल कितनी रखी है 15 किलोमीटर जो है ऑलरेडी हमने ड्राइव कर लिया, तो आप लगा लो मैंने जैसे 155 से 160 किलोमीटर जो बताया था कि एक तरफ से जो है गाड़ी चलेगी। फिलहाल अभी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ लगभग कितनी गाड़ी चल चुकी है कितना, क्योंकि ये यहाँ पे देखो लगा हुआ है जाम को तो इस तरीके से वेट करना पड़ेगा, मैंने कहा तब तक अपडेट ही दे देता हूँ। देखो अभी गाड़ी की परसेंटेज वगैरह की बात करें तो 77% गाड़ी में रेंज जो है वो दिखा रही है और कितने किलोमीटर चला ली हमने 47.2 किलोमीटर आप लगभग घर से जो है मैं अभी तक इस गाड़ी को चला चुका हूँ। और रेंज की बात करें तो दिखा रही है 139 किलोमीटर की रेंज। और एसी अपना जो है देखो अभी चल ही रहा है, मैं एक सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो
सिंगल फैन पे है और 23 डिग्री पे जो है अपना एसी जो है नॉर्मल चल ही रहा है और 99 किलोमीटर भी अभी रह रखे हैं। वैसे मैं अभी रुकने ही वाला था, जो अपने को ड्राइवर वाली सीट पे जो बैठेंगे वो भैया उनके लिए वेट करने ही वाला था, आगे चल के 5-6 किलोमीटर बाद वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बट फिलहाल इन्होंने इस जाम में ही हमें फंसा दिया। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टाइम भी देखो 8:28 हो रखे हैं सुबह के। अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है, नाश्ता वगैरह भी जो है हम आगे चल के करेंगे, लगभग मथुरा के आसपास जो है ब्रेकफास्ट करने का प्लान है, तो वहाँ भी वेट करेंगे, वहाँ उस टाइम पे भी मैं आपको अपडेट वगैरह शेयर कर दूंगा। और एक और चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि ईवी के ऊपर आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए। जैसे उस भाई ने तो कमेंट कर दिया आज हम रेंज टेस्ट कर रहे हैं, मैंने भी कुछ और वीडियोस प्लान कर रखी हैं, बट आप लोग कमेंट करोगे तो वो वीडियोस पहले आएंगी और जो मैंने अपने लिए बना के रखी हैं वो कुछ टाइम थोड़ा बाद में आएंगी, पर आएंगी। ईवी पे इस तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन या और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे आगे चल के। सो आप चैनल को जब तक के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगे तो जरूर से प्रेस करना। और अभी भाई का जो है कॉल भी आ गया, तो एक बार मैं जरा बात कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो फिलहाल अपना ट्रैफिक तो चल दिया है, कॉल पे भी मैंने बात कर ली, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे कॉल पे। कहाँ था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स पे कोई और वीडियोस भी चाहिए हो ईवी के रिलेटेड, तो उन सब पे हम वीडियोस पे बात करेंगे और शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियोस इस टाइप के अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी मिले थोड़ा सा ऐसा है बनाने में वीडियोस। और फिर से जाम लग गया, देखो मतलब हम तो सोच रहे थे कि जाम नहीं लगेगा बट जाम का ऐसा ही है, जाम लगता ही रहता है। तो अभी चले भी नहीं है, देखो वही सेम किलोमीटर है, 47.2 किलोमीटर पे ही है अटके हुए हैं। और आगे आपसे शेयर करूंगा, ऐसे ही ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं करेंगे, बस कट टू कट बात करेंगे। तो चलते हैं, फिलहाल ट्रैफिक में वेट करना पड़ेगा। फिलहाल ये हमारे पहले ट्रिप का पहला टोल है और टोल देते हुए हम यहाँ पे चलते बनेंगे। काम कर गया, मतलब पहली बार में ही काम कर गया, वरना करता नहीं है काम। अभी रेंज वगैरह के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो देखो अभी 71% चार्ज है और लगभग गाड़ी जो चल चुकी है 60 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। अब जो है हमें हाईवे जो आगरा तक देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस तरीके का ही देखने को मिलेगा, सिंगल लेन रोड है, हाईवे तो गलत ही कह दिया मैंने बट। और एक छोटा सा सरप्राइज दूं, सरप्राइज अभी देता हूं। देखो जिन भाई से मैं मिलवा रहा था वो सो वहां पे तो डिस्टर्ब हो गया था, मैं दोबारा मिलवा देता हूं भाई से। ये हेलो कर दो भाई एक बार। हेलो। हाँ तो ये भाई को ऑलमोस्ट जब से मेरे साथ बैठे हैं लगभग 15-20 मिनट हो गए, भाई से एक बार पूछते हैं ईवी में पहली बार बैठे हो या भैया और भी पहले बैठ रखे हो? भाई ईवी में मैं आपके साथ ही बैठा हूँ जब भी बैठा हूँ। अच्छा। लेकिन एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा ईवी का रहा है, जबरदस्त, मतलब जब ये गाड़ी ओवरटेक करती है ना किसी को तो बस रॉकेट हो जाती है एकदम से, मतलब हर चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लगता है। और अब तो चार्जर की फैसिलिटी भी, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि अब तो चार्जर की फैसिलिटी भी आपको जगह जगह मिलती है, तो क्यों ना लोग ईवी की तरफ मूव हो, डीजल पेट्रोल छोड़ के। मतलब मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, अभी भी लोग ईवी को इतना प्रायोरिटी देते, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है महंगी भी है, थोड़ा सा महंगी तो है, लेकिन अगर आप उसकी कॉस्ट निकाली जाए पेट्रोल डीजल की, अगर सर्विस कॉस्ट वगैरह भी निकाली जाए तो उसके मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। अगर आपकी डेली रनिंग है तो ईवी इज द बेस्ट फॉर यू। अभी तक मैं भी आप लोगों को यही समझा रहा था, देखो भाई भी यही बोल रहे हैं कि मतलब अगर जिसकी डेली की रनिंग है ना और जिसको अपना जेब पे थोड़ा सा वजन कम डालना है वो ईवी थोड़ा सा ले सकता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। अगर ज्यादा महंगी भी नहीं लेनी तो टियागो टिगोर में से ऑप्शन ले सकते हो, आगे चल के और भी ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन मार्केट में आने वाले हैं। बट थोड़ा सा अभी जैसे हमने देख रहे थे चार्जर के रिलेटेड एक जो चार्जिंग पॉइंट देखा था, अब थोड़ा सा ये है कि चार्जर थोड़ा सा बंद मिल जाते हैं कहीं कहीं, कभी कभी ऐसा होता है इशू, लेकिन उसके लिए एरिया भी तो थोड़ा सा वैसा है, एरिया भी देखा जाता है कि एरिया किस तरीके का है। यहाँ पे जैसे हम आगरा जा रहे हैं, आगरा में क्या लगता है चार्जर की? आगरा में चार्जर की फैसिलिटी आपको जगह जगह अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी रोड पर नहीं मिलेगी, अलीगढ़ एक इतना बड़ा शहर भी नहीं है दूसरी चीज, और इस रोड पे जो है ना ईवी अभी व्हीकल कम है, देख लो एक भी नहीं दिखी अभी तक, एक भी नहीं दिखी। दूसरी चीज रिसोर्ट वगैरह भी कम है, जहाँ जिस रोड पे रिसोर्ट वगैरह ज्यादा होते हैं ना वहाँ रिसोर्ट वाले खुद ही उस फैसिलिटी को अवेलेबल करा देते हैं, उनके लिए तो फायदा ही है ना, उनके लिए दोनों तरफ से कमाई हो जाएगी, चार्जिंग से भी और उनके से भी कमाई हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ईवी बेस्ट है फिलहाल, अगर जो डेली रनिंग कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और बहुत ही ज्यादा किफायती है पेट्रोल और डीजल की तुलना में। मतलब पेट्रोल डीजल से और क्या लगा आपको डिफरेंस? सस्ती तो चलो मान लिया, और क्या डिफरेंस है? और इसकी पावर,
जो पावर ये जनरेट करती है ना, जैसे ही आप इस पे पंजा दबाओगे और गाड़ी एकदम रॉकेट हो जाती है। पेट्रोल डीजल और सीएनजी किसी में ये पावर नहीं मिल सकती, जो टॉर्क है इसका जबरदस्त। मतलब मैं भी आपको, मैंने जब इसकी वो स्पीड वाली वीडियो दिखाई थी, टॉप स्पीड वाली, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जितनी भारी ये गाड़ी है, जिस हिसाब से, मतलब इतनी ज्यादा हाई फाई पावर वाली तो गाड़ी है नहीं, उस हिसाब से भी मुझे नहीं लगता ये पेट्रोल डीजल को किसी अपने सेगमेंट में जीतने दे देगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि टॉर्क ही इसका इतना बेहतरीन है कि मैंने बड़ी गाड़ी, उस दिन आपने देखा होगा शायद, हम उस दिन बैठे थे तो एक मर्सिडीज थी शायद, जब हम मुरादाबाद जा रहे थे। हाँ, मुरादाबाद जा रहे थे, ठीक है, तो गजरोला से आगे एक मर्सिडीज थी और मर्सिडीज खूब दबा के भाग रही थी, लेकिन उस गाड़ी को इसने इतने मक्खन की तरह ओवरटेक कर दिया ना, ये मर्सिडीज वाला भी एक बार को तो देख ही रहा था कि भैया ये क्या बवाल है। मतलब देखते तो है मुड़ के, मतलब इसकी एक तो नंबर प्लेट की वजह से थोड़ा सा लोग देखते हैं, और दूसरे बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है ईवी के बारे में, जैसे मैं अपने आसपास देख रहा हूँ। अरे भाई खुद सोचो, जब ये टियागो जैसी गाड़ी अगर मर्सिडीज को ओवरटेक करेगी, ठीक है, तो मर्सिडीज वाला क्या ही सोच रहा होगा। भाई जरूर कमेंट करे जिसके वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो रही है, वरना तो मैंने सोचा ही था, पर ये नहीं पता था कि वीडियो बनाएंगे भी, तो खैर उस भाई की वजह से बन रही है, तो आप लोगों की वीडियो में आप बताना थोड़ा सा, वो जो मैं बता दूंगा पिन कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट जो मेंशन करते हैं, नाम स्पेशली पिन कमेंट किया जाएगा जिसकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रही है। फिलहाल अभी हम रुके हैं पहले स्टॉप पे, अपना चाय वगैरह ले लेते हैं थोड़ा सा, और मुझे पेटीएम में थोड़ा पैसे भी डालने थे, क्योंकि नेक्स्ट टोल अब बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, फास्टैग वगैरह लग रहा है, आगे ही टोल है, और चाय के लिए रुक रखे हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ अभी गाड़ी कितनी चल रखी है, अपडेट दे देता हूँ। देखो अभी चला ली हमने 116 किलोमीटर जो गाड़ी ड्राइव कर ली है, 44% बचे हैं, 95 की रेंज दिखा रही है, और वॉट आवर एक बार आप फिर से देख लो 111। अगर आप लोग देख रहे हो तो आप इसी से आइडिया लगा लेना कि लगभग अभी तक हमने कितनी यूज कर ली, एग्जैक्ट जो है रेंज आपको पूरी जब ये पूरी चल जाएगी ना, और परसेंटेज जब कम बचेगी और सारी, तब दिखाएंगे। एसी भी अभी चल ही रहा है तो बाहर चल लेते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते, नहीं तो वीडियो जो है लंबी हो जाती है। चलो अपनी चाय आ चुकी है, भाई भी पी रहे हैं, और कुल्लड़ में चाय आई है, और अपना पता नहीं ये कौन से ब्रांड का तो इन्होंने बिस्किट दिया है, पहली बार सुन रहा हूँ बाउंस करके कौन सा ब्रांड है यार, तो चॉकलेट पार्ले जी नहीं मिला, गलत बात है। खैर कोई नहीं, अपनी चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। टपरी देख रहे हो चाय की, फिलहाल मैंने जो है गाड़ी चार्जिंग पर लगाई थी, मैंने कहा चार्जिंग लगा दूँ, उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इग्निशन ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। अभी फिलहाल मैंने ये लगाई है 28% पे गाड़ी, और किलोमीटर चल चुकी है, जैसे उस भाई ने कमेंट किया था 146 किलोमीटर, अब आप लगा लो कि 28% बची थी और 146 किलोमीटर जो है चल चुकी है, किस हिसाब से जो है क्या रेंज दी, क्या एवरेज दिया है वो आप देख लेना। अभी गाड़ी मैंने फिलहाल चार्जिंग पे भी लगाई है, कहाँ पे चार्जिंग पे लगाई है वो चार्जर आप देख लो, ये BMW का चार्जर है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये आगरा में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल मैंने गाड़ी जो है चार्जिंग पे लगा दी है, मैंने कहा गाड़ी थोड़ी चार्जिंग पे लगा लेते, क्योंकि ऑलमोस्ट अब यहाँ से थोड़ा काम अपना हो ही गया है, तो निकलेंगे, उससे पहले मैंने कहा आपको वीडियो का अपडेट दे दूँ। तो और कुछ आप जानना चाहते हो या कमेंट में पूछना चाहते हो जरूर से पूछना। सो ये थी ओवरऑल आज की रेंज की वीडियो, कितनी रेंज देती है अगर आप इस हिसाब से चलाओगे, सो कमेंट में बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई ईवी के ऊपर, सो कमेंट में बताना, ऐसे ही और वीडियोस प्लान करेंगे ईवी के ऊपर। सो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।